हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो देखने वाले हैं ये अवनी में स्थित मंदिर है रामलिंगेश्वरम। ये बैंगलोर से करीबन 95 किलोमीटर के आसपास आता है, केजीएफ के 10 किलोमीटर आगे है। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। ये देखिए, ये बहुत पुराना मंदिर है और ये पूरा पत्थर से बना हुआ मंदिर है। और यहाँ पे एक मंदिरों की श्रृंखला है, जैसे कि रामलिंगेश्वरम, लक्ष्मण लिंगेश्वरम, शत्रुघ्न लिंगेश्वरम, भरतेश्वरा और वाली सुग्रीव, ऐसे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। और सब में शिवलिंग है। पूरा का पूरा जो मंदिरों की श्रृंखला है ये पूरी शिव जी का है और बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। ये हम जो देख रहे हैं ये लक्ष्मण लिंगेश्वरा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे नंदी जी भी है और पूरी तरह से अंदर से इस तरह का लुक दिखता है। यहाँ पे कुछ शिल्पकला का एक अच्छा काम यहाँ पे किया हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ का जो शिवलिंग है दोस्तों, ये काफी बड़ा और भव्य दिव्य ऐसा आपको देखने मिलेगा, काफी खूबसूरत है। ये देखिए कैसा। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मूर्तियां भी है, जैसे यहाँ पे पूरे भगवान है। और यहाँ से ये देखिए, ये बाहर का एंट्रेंस है। अभी ये वाला जो मंदिर है ये है शत्रुघ्न लिंगेश्वरा, हम अंदर जाके देखते हैं। ये भी काफी सिमिलर ही लगता है, लेकिन लक्ष्मण लिंगेश्वरा से थोड़ा सा साइज में छोटा सा नजर आएगा हमें। जो सभा मंडप रहता है मंदिर का, ये थोड़ा सा छोटा लगता है जो लक्ष्मण लिंगेश्वरा से। लेकिन जो शिवलिंग है काफी उसी तरह से जो लक्ष्मण लिंगेश्वरा जैसा ही काफी बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे भी। अभी मॉर्निंग में पंडित जी और वो सब आए नहीं है, तो वो मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आया हूँ दोस्तों, कि भीड़ वगैरह कम मिलता है इसलिए। और ये देखिए दोस्तों, बाहर से कुछ ऐसा लुक इसका नजारा दिखता है। ये पीछे साइड में जो है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है। और यहाँ से हम देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रीन ग्रास भी है और सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एक नजारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से रिनोवेशन चल रहा है, जल्द ही हमें रिनोवेटेड टेंपल देखने को मिलेगा। ये जो मंदिरों की शिखरों की जो रचना है वो काफी खूबसूरत दिखाई देती है दोस्त, और ऊपर से सूरज की रोशनी से भी काफी खूबसूरत लग रहा है ये नजारा। यहाँ पे साइड में कुछ शिवलिंग भी हमें दिखाई देंगे। और ये देखिए, इस साइड में मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है दोस्तों, उसे अवनी बेटा कहा जाता है। और उस बेटा पे, उस पहाड़ी पे सीता माता और पार्वती माता का मंदिर है वहां पे। और ऊपर सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, वो जगह भी ऊपर है। वाल्मीकि ऋषि भी ऊपर रहते थे। और लव कुश ने अश्वमेघ जो घोड़ा था उसको बांध के जहां पे रखा था, वो जगह भी ऊपर देखने मिलेगी दोस्तों। अवनी बेटा का वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूंगा दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम यही मंदिर कवर करेंगे। ये भरतेश्वरा सिरिनी है। और यहाँ का जो नंदी है ये ओपन पेस में मंडप है वहां पे है। और आगे मंदिर है भरतेश्वरा का, और उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का नजारा देखने मिलेगा। आगे शिवलिंग है और यहाँ पे सभा मंडप है। बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों। हर मंदिर में शिवलिंग है और ये जो मंदिरों की श्रृंखला है ये पूरा शिव जी को समर्पित है। राम, लक्ष्मण, भरत, वाली, सुग्रीव, ये सब शिवलिंग यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे। इस तरह के जो पुराने मंदिरों की बनावट है काफी कम देखने को मिलती है, और हमें ऐसे पुराने जगहों पे जाके जरूर देखना चाहिए
क्योंकि अभी जो नए कंस्ट्रक्शन है वो काफी अलग है। तो ये जो मंदिर है ये काफी खूबसूरत लग रहा है, पूरे ओपन स्पेस में बहुत सारे मंदिर है। ऐसे मंदिरों में आने का कुछ मजा ही अलग है दोस्तों। और फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत मजा आएगा। और ये पीछे पहाड़ी पे ट्रैकिंग के लिए जाना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो भी। ये लिंगेश्वरा मंदिर है और ये सबसे साइज में छोटा मंदिर है, अंदर शिवलिंग है। और वाली एंड सुगुरु का भी यहाँ पे मंदिर है, अंदर शिवलिंग है। मंदिर के लेफ्ट साइड में हम खड़े हैं और वहां से कुछ इस तरह का नजारा हमें दिखाई देगा दोस्तों। बीच में नारियल ट्रीज और वगैरह काफी खूबसूरत नजारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नवग्रह का ये मंदिर है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से मंदिर के अंदर आने का ये रास्ता है दोस्तों। और बाहर ये वाला रथ, बड़ा सा एक रथ यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।